देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 96,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 3,029 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब तक 36,824 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं महानगरों में COVID-19 के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। 56,316 एक्टिव केस हैं और देश भर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 3,029 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत, देखिए लगातार जिस तरह से आंकड़ों की बढ़ोतरी हो रही है और आज से लॉकडाउन का चौथा फेज यानी कि 4.0 शुरू होने जा रहा है, तो किस प्रकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या क्या रियायतें दी गई हैं? देखिए, जिस तरीके की बंदिशें पिछले लॉकडाउन में थी यानी कि लॉकडाउन 3 में थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी जो तमाम शैक्षिक संस्थान है वो बंद रहेंगे। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बंद रहने की बात है। लेकिन जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन आई है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से नए इनिशिएटिव्स ले सकती है और वो जगह जहाँ पर लोग चाहते हैं उनको खुलना चाहिए, और जो इलाका संवेदनशील नहीं है, जहाँ पर ज्यादा पेशेंट्स नहीं है कोरोना के, ऐसे में कुछ दुकानें मार्केट एरियाज को खोला जा रहा है। और सभी राज्य अपने अपने तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है और ऑरेंज जोन है, क्योंकि पिछले दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से ये सवाल जरूर उठाया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से जो रेड जोन इलाका है वो कोई और है और ग्रीन जोन राज्य सरकार की ओर से कोई और है। ऐसे में दोनों के जो जोन जो डिसाइड किए गए थे वो मैच नहीं कर पा रहे थे। और कम से कम ये जो फैसला लेने का अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया गया है। ऐसे में जहाँ ज्यादा पेशेंट्स है जो राज्य है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ काम कर रहे हैं, और जो जहाँ पर पेशेंट्स कम है, जहाँ पर संख्या कम है पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स की, ऐसे में वहाँ पर काफी हद तक रियायत दी जा रही है। जी बिल्कुल। प्रीत किरण, ये बताइए, देखिए इलाज में किस तरह की नई चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि संक्रमण तो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है? देखिए, कई तरीके हैं इलाज के। पहला तो शुरुआती चरण में ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो पेशेंट है पॉजिटिव हो गया है, कहीं ना कहीं उसको एक मेंटल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। बिल्कुल। और साइकेट्रिस्ट के थ्रू एक थेरेपी भी जा रही है, इसके साथ में ही जो ट्रीटमेंट की जा रही है और वो कहीं ना कहीं जो दवाइयां हैं जो पेशेंट को, हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग दवाइयां उसको शूट करती है, तो डॉक्टर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि एज के अकॉर्डिंग जो वृद्ध लोग हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, जो यंग लोग हैं जो जल्दी रिकवर हो सकते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने हिसाब जो है कोरोना को पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कोई वैक्सीनेशन की बात थी वो अब तक नहीं आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।